देखो खाली बिल्कुल बॉर्डर बॉर्डर ये है कि जैसे व्यापारी या दूसरे और लोग उनकी वहां और डल रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का ठीक है कि बिल्कुल बहुत दिन से बॉर्डर बंद है कि खुले। अब दोनों सरकारें बातचीत करके किसानों से बात करें, उनकी कुछ बातों पर जो उस पर सहमति बने, मेनली एमएसपी गारंटी कानून का है, वो बात सरकार को माननी चाहिए। किसान वापसी तो नहीं जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में आप जाओ अपना पक्ष रखें, नहीं वो वहां की कमेटी है, क्योंकि हम उस मूवमेंट का हिस्सा नहीं, उस कमेटी में नहीं है, उन किसानों की कमेटी है। हम तो निगरानी रखे हुए कि कोई अगर अत्याचार होगा तो पूरा देश का किसान उनके साथ में। उसके पीछे ये है कि पंजाब में विपक्ष की सरकार है, भारत सरकार ने पूरा पैंच फंसा के उनको यहाँ पे फंसा के लिया है। यहाँ पे बगैर मांग मांगे किसान वापसी नहीं जाएगा, आगे इनको ये जाने नहीं देंगे। उससे वहां की सरकार बदनाम हो रही है कि सरकार कुछ नहीं कर रही, व्यापार ठप हो गए, किसानों के प्रति नफरत सी लोगों में हो रही है, सिख समाज के प्रति ये हो रही, उसको बदनाम करा जा रहा है पूरे देश और पूरे दुनिया भर में। तो इससे भारत सरकार का पूरा एजेंडा भारत सरकार का इसमें चल रहा है। बीजेपी को नुकसान होगा इसका, सरकार को नुकसान होगा, बिल्कुल नुकसान होगा। जनता इनके पक्ष में नहीं है, लोग आंदोलन भी नहीं कर रहे, लेकिन उनके दिलों में है कि जिस तरह से देश में लोकतंत्र होना चाहिए था, जिस तरह से जनता की आवाज को दबाया जा रहा हो, वो लगा नहीं, लेकिन यहाँ उसको एंटी गवर्नमेंट काम करने का मौका मिलेगा वो करेगा। अगर उसको इलेक्शन में मिलेगा तो इलेक्शन में उसका रिजल्ट देगा। नहीं, किसान संगठन तो नहीं लड़ रहा, लेकिन कुछ किसान संगठन है वे लड़ रहे होंगे, लेकिन संयुक्त मोर्चा तो नहीं लड़ रहा। यहाँ देखो हम बहुत दिन से ये लड़ाई लड़ रहे हैं, ये आम पब्लिक के भी उस हक में है और किसान संगठन के भी हक में है, और इसका निचोड़ ये निकला कि जितने भी संगठन यहाँ पे आए, करीब 90 संगठन यहाँ पे थे, तो सबका रिजल्ट यह था कि बिल्कुल ये नहीं आने चाहिए। एक मत से जिस कमेटी ने, देविंदर जी ने, कविता इन्होंने जो बुलवाई थी, तो सबको ने सहमति दी कि आप इसको रहे। और हम अपने जब हमारी लेटर और डिमांड जाएंगी, कभी भी हम मूवमेंट करेंगे, तो ये जीएम फ्री इंडिया का कैंपेन हम चलाएंगे, उसमें देंगे कि हमको जीएम से अलग रखा जाए। मानसिकता बदल रही और इसमें सरकारों का बड़ा रोल है। खाप पंचायतों ने पहले व्यवस्था ये थी कि लड़की हमारे गांव की है, हमारे गोत की है, तो एक भाई बहन का रिश्ता उनका रहता था। अब सरकार ने सारा ही खोल दिया, बिल्कुल कहते नहीं शादी करो, कोई किसी से शादी करो, कैसी वो करो। इस तरह के हिनेंस क्राइम होते हैं, उस पर फास्ट ट्रैक में ये जाना चाहिए। जहां पे महिलाएं हैं वहां पे अगर पता के स्टाफ है महिलाएं, वहां पे कैमरे लगाओ, जेंट्स वहां पे ना जाए, उनकी सुरक्षा वहां पे प्रायोरिटी पे हमको काम करना चाहिए। और कोई इस तरह का हिनेंस क्राइम कर रहा है, फास्ट ट्रैक में कोर्ट जाकर सख्त सजा उसको मिलनी चाहिए। सबका रोल होना चाहिए, सामाजिक उसके रोल रहते हैं, और सामाजिक स्तर पे सेफ्टी का बड़ा काम होता है, सेफ्टी करते भी हैं सभी लोग। मानसिकता खराब रहती है ना भाई, दो साल की बच्ची है, 5 साल की 6 साल की बच्ची है, तो किसी का मानसिकता खराब हो रही है उसकी, तो क्या करोगे।